हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 23 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसे ठीक पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हालांकि आज छोटी दिवाली, लेकिन आपको छोटी और मेन जो दिवाली आएगी कल, उन सब की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बात करेंगे। यहाँ पर बात की गई है एक रिवर के बारे में, सुका पाइका करके रिवर उड़ीसा के अंदर। बेसिकली ये एक डेड रिवर थी जिसके अंदर एक वापस से ब्रीथिंग लाइफ एंटर हुई है। इसका मतलब ये है कि 1950 के आसपास ये रिवर जो है फ्लो करना बंद कर चुकी थी, और इसके बाद एक वाटर क्राइसिस हुआ इस रिवर के आसपास के गांव में, और गांव वालों ने सोचा उसको फिर से रिजनोवेशन करते हैं, फिर से उसको रिस्टोर करते हैं। और आज के टाइम पे 70 साल के बाद ये जो एक हिस्टोरिकल है, क्योंकि 70 साल के बाद उड़ीसा की कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस रिवर को फिर से रिजोनेट किया गया है। और इन सब में दो इम्पोर्टेंट चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पहला, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन। देखो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मेन फंक्शन ये है कि जितने भी एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं, उनको हियर करना, और पर्टिकुलरली टारगेट करता है कि अगर कोई भी एनवायरनमेंटल रिलेटेड लॉज का वॉयलेशन हुआ तो डायरेक्शन दे सकता है। और इसको जब सेटअप किया गया था 2010 में, तो इसका मेन इंटेंशन भी ये था कि जुडिशरी पर जो एक एक्स्ट्रा बर्डन होते हैं, बर्डन है एनवायरनमेंट को लेकर, उसमें एक टारगेटेड एक तरीके से, हालांकि इसके डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर है, और इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में इसकी ईस्टर्न या इस तरीके से ब्रांच बनाई जाती है, ईस्टर्न, सदरन, वेस्टर्न, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि 27.5 किलोमीटर के आसपास ये फ्लो करती है, इसके बाद फिर ये महानदी रिवर के अंदर मिल जाती है। 1950 के बाद से ये बंद हो गई थी कैनल सिस्टम के डेवलपमेंट से। इसके अलावा, क्योंकि जब भी आप देखेंगे एग्रीकल्चर का डायरेक्ट लिंक होता है किसी भी रिवर से, अगर रिवर फ्लो नहीं करता तो वहाँ पर क्या करेंगे लोग, जो ग्राउंड वाटर उसका यूज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन जब ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं और एक टाइम के बाद ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो जाता है, आपने इतना ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर लिया कि पानी जो है बहुत ही नीचे चला गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो रिचार्जेबल नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि इसको एक तरीके से इसी रिवर को फिर से हम इनिशिएट करेंगे। तो ओडिशा गवर्नमेंट का और एनजीटी के डायरेक्शन के बाद अब इसको लेकर काम शुरू है, और मे बी 2023 तक, जैसा कि एनजीटी की ईस्टर्न ब्रांच ने डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि 2023 मार्च से पहले इसमें काम को कंप्लीट किया जाए। इसके ठीक राइट हैंड साइड में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेशन हुआ, 5 साल में एक बार सेशन होता है, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि शी जिनपिंग थर्ड टर्म के लिए चाइना के फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। और यहाँ पर जनरली आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी राइवल फोर्सेस थे उनसे, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से या जो इम्पोर्टेंट कमेटीज होती है, कोर कमेटी, उनसे बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये फोटोग्राफ देखेंगे, कुछ फोटोग्राफ में हु जिनताओ है, ये इनको किस तरीके से एस्कॉर्टेड किया जा रहा है। हालांकि ये कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन इनको वोट देने से पहले ही निकाल दिया गया। ये अजीब सी चीज़ें होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इस मीटिंग में। खैर, ये समझ से परे, इसके बारे में ज़्यादा समझने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से और ओवरऑल हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है 5 साल में, उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए और शी जिनपिंग की पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। वो क्या करना, क्या करने वाले अगले 5 साल में, क्या विजन होगा, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ये अगले महीने जो है दिल्ली के अंदर आएंगे, यानी भारत के अंदर आने वाले हैं, और नवंबर के अंदर इनकी विजिट होगी। इनकी विजिट की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 14 नवंबर को ये इंडिया में आएंगे और 15-16 नवंबर को G20 ग्रुप ऑफ 20 बड़ी जो इकोनॉमी है दुनिया की, उनकी मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया के शहर बाली के अंदर। इसके अलावा जब ये यहाँ पर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाएंगे। पहला, एक तो आसियान मेंबर की मीटिंग होगी, आसियान में 10 कंट्री आती है, और सेकंड है 18 मेंबर की ईस्टर्न एशियन समिट। ये 18 मेंबर कौन कौन है इसके बारे में पढ़ेंगे, आसियान कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, ये होगी कंबोडिया में, ठीक है। इसके अलावा
इस पूरी विजिट के अंदर अगर आप देखेंगे डेफिनेट सी बात है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डिस्कस किया जाएगा। रशिया वार और यूक्रेन के रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है उसके सिनेरियो को लेकर ऑब्जर्व किया जाएगा और जो वेस्टर्न कोलिशन है उसके सैंक्शन को भी डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि ना तो इंडिया ना ही किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन किया है। इनके अलावा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस या नॉन ओपेक कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करती है लेकिन ओपेक कंट्री का पार्ट नहीं है, कल हमने उसके बारे में भी पढ़ा, राइट। इसमें ये बताया गया जिसमें रशिया और ये सऊदी अरेबिया का अलायंस मेनली था जिन्होंने शुरू किया था और उन्होंने डिसीजन लिया था कि प्रोडक्शन को कट करना है। देखो जब भी प्रोडक्शन को कट किया जाएगा, मान लेते हैं तेल जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसके कम कर देंगे तो क्या होगा? आप सप्लाई कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि भाई तेल की कीमत इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर यूएस नाराज था कि आप ये जो कर रहे हैं इसके सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा होंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम जो है यूएस को भुगतने पड़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्व कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उससे लगता है कि आने वाले टाइम में दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़राब किसी के साथ रिलेशन होंगे तो वो होंगे यूएस के साथ, और उनमें इंडिया और यूएस के रिलेशन ख़राब होने की पॉसिबिलिटी भी है। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट F-16 को लेकर पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप अब इम्प्रूवमेंट करिए, इसी तरीके से हमने कल देखा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर से अगर हम देखते हैं पाकिस्तान को विड्रॉ कर दिया गया, निकाल दिया गया, उसका एक बड़ा सपोर्ट था यूनाइटेड स्टेट का। इनके अलावा यहाँ पर भारत और सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है, 2019 में सऊदी अरेबिया ने प्रॉमिस किया था कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा, खासकर ऑयल रिजोर्स के मामले में और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इनके अलावा 2016-2019 में भारत के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के अंदर विजिट कर चुके हैं। 2020 में सऊदी अरेबिया ने G20 की मीटिंग को होस्ट किया था। अगले साल यानी 2023 में भारत में G20 की मीटिंग होने वाली है तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंट है। इनके अलावा जब आप देखेंगे ये विजिट हो रही है, इसकी टाइमिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी दौरान ईस्ट एशिया समिट होने वाली है और आसियान इंडिया की पार्टनरशिप के 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं। क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस दौरान जो है वो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसमें प्रेजेंट रहेंगे। इनके अलावा इस बार जो ईस्ट एशियन समिट है या आसियान ग्रुप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और इसमें आसियान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर में इसको लेकर भी डिस्कस होगा। इनके अलावा 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चाइना को इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि भारत और यूनाइटेड स्टेट को भी इसके अंदर इंक्लूड करने के बारे में डिस्कस है। जब हम आसियान के बारे में बात करते हैं तो आसियान तो साउथ ईस्ट एशिया की 10 इंपॉर्टेंट कंट्री होगी। जब हम ईस्ट एशिया कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये साउथ कोरिया बेसिकली, रशिया और यूनाइटेड स्टेट इसके अंदर इंक्लूड होगा, राइट। इसके अलावा आसियान की अगर आप 10 कंट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ये 10 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, टोटल 5 कंट्री यहाँ से हो जाएंगी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये टोटल जो है 10 कंट्री होगी। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था कि हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे, उसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, राइट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे आसियान की तो 10 कंट्री आती है, इसके अलावा 5 कंट्री और उसके अंदर इंक्लूड है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। वो 5 कंट्री कौन कौन सी है ये आप नीचे कमेंट करेंगे, ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद पेज नंबर 9 पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर को लेकर डिस्कस किया गया है और रोहिंग्या एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा डिबेट होती है। रोहिंग्या बेसिकली एक ऐसा एथनिक ग्रुप जो कि म्यांमार के रखाइन प्रोविंस से इंडिया के अंदर एंटर होता है और इसी चीज़ को लेकर इंडिया में काफ़ी डिबेट होता है कि इनको क्या इंडियन गवर्नमेंट वापस डिपोर्ट करेगी। जब RTI लगाई गई इसको लेकर कि बताइए कि भाई डिटेंशन सेंटर देश में रोहिंग्याज को लेकर कितने हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और हम लोग इसको शेयर नहीं करेंगे। जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविज़न है कि अगर किसी कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन शेयर करना कंपलसरी नहीं है। रिसेंट में अगस्त में कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसमें
हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन एक तरीके से अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज है इनको शिफ्ट किया जाएगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्मॉल फ्लैट बने हैं। इसके जस्ट बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा कि भाई पहली बात तो इस तरह की कोई योजना नहीं है, दूसरा गवर्नमेंट कंसीडर करती है इनको इलीगल माइग्रेंट और इनको म्यांमार में डिपोर्ट किया जाएगा। देखो सवाल ये उठता है कि अगर आप देखते अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री को, क्या इस बारे में पता नहीं था कि होम मिनिस्ट्री और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में डिफरेंस कैसे हो सकता है? इसको लेकर फिर पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली की कालिंदी कुंज के अंदर ये रोहिंग्या कॉलोनी आपको नज़र आएगी, हालांकि इसमें इंडिया का फ्लैग ज़रूर लगा है, लेकिन ये वाले जो कैंप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रोहिंग्याज के हैं जो इलीगल माइग्रेंट हैं, इलीगल एक तरीके से भारत के अंदर इन्होंने एंट्री करी है। इसी चीज़ को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्शन उन्होंने दिया है कि जो प्रेजेंट लोकेशन है रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को, इनको डिटेंशन सेंटर के रूप में डिक्लेयर करें। देखो दिल्ली गवर्नमेंट की और यूनियन होम मिनिस्ट्री की या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कई सारे इश्यूज़ को लेकर टसल है, जिसमें से एक ये भी इशू है। देखो हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा था कि हम लोग 1951 का जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको रिफ्यूजी प्रोवाइड करेंगे चाहे रेस रिलीजन क्रीड कुछ भी हो। इनके अलावा काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया कि जो आप कर रहे हो उसको सही नहीं है। इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दिया कि भाई कोई फ्लैट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, इनको इलीगल माइग्रेंट के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि रोहिंग्या को एक न्यू लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए, इस तरह की न्यूज़ आई थी, और यहाँ पर भारत सरकार ने कहा कि ये जो इश्यू है डिपोर्टेशन को लेकर कि ये यहाँ से जाएंगे वापस म्यांमार में, ये डिस्कस किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के द्वारा, क्योंकि ये मेनली म्यांमार से आए हैं। अब इसी चीज़ को लेकर पॉलिटिकली डेफिनेट सी बात है, जब आप इस तरह का इशू होता है ये पॉलिटिकली ब्लेम गेम होता है, आप कर रहे वो कर रहे हैं। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में 2012 में ये लगभग 1200 रोहिंग्या जो इंडिया में आए, और जकात एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो लैंड है पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर इन्होंने टेंट लगाया। बाद में 2018 में फायर हुआ, 2021 में फायर हुआ, अलग अलग इश्यूज़ को देखने को मिलता है कि ये लेफ्ट राइट होते रहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो अगर ये इलीगल माइग्रेंट है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कम्युनिटी को ये राइट नहीं होगा कि इलीगली माइग्रेंट को आप स्पेस भी दें, ये भी अपने आप में हो सकता है गवर्नमेंट लैंड को वो एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। एक तरीके इलीगल है तो वो इलीगली रह रहे हैं, मतलब उनकी कोई स्टेबिलिटी है नहीं। इसके अलावा जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 81A, ये खैर इतना डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर एक सीक्रेट मार्क किया गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है कि भाई जो हमारी सोवरनिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट करती है, देश की सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक और साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इम्पेक्ट कर सकती है, तो उस पूरे सिनेरियो में हम देखते हैं कि इस तरह के ऑफेंस को लेकर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए शेयर करना ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद इसरो के हैवीएस्ट रॉकेट के बारे में डिस्कस किया गया, जिसने 36 सैटेलाइट बोर्ड किए गए हैं, और आई थिंक आज संडे को सुबह इसके बारे में फ्लाइट जो है वो एक तरीके से सैटेलाइट के साथ ये कैरी करेगा, और इसी के बारे में डिस्कस किया गया। सबसे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्लाइट है या जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट को बोर्ड किया हुआ है लॉन्च पैड के थ्रू, LVM3M2 वन वेब इंडिया, जिसमें 36 सैटेलाइट होंगे। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं भारत की जो डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सेंटर की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करेगी, इसके थ्रू भारत की जो एजेंसी इन्होंने ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस में एंट्री करी है। और ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी के सैटेलाइट हैं, इसमें 601 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में इनको प्लेस किया जाएगा। इनके अलावा इस मिशन की ये पांचवी फ्लाइट है और पहली ऐसी रॉकेट है जिसमें 6 टन का पेलोड इसमें एक तरीके से इंक्लूड किया गया है। इसके बाद पेज नंबर 11 पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन टीवी के प्रोफेशनल जो है उनकी हत्या कर दी गई है कीनिया के द्वारा,
वहाँ पर एक फोर्स है जो डिसबैंडेड, हालांकि कर दी गई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, डिसबैंडेड स्पेशल फोर्स जो कई लोगों की हत्या कर चुकी है। हालांकि किनिया के जो प्रेसिडेंट विलियम रूटो, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की चीज़ों को लेकर हम लोग डेफिनेटली सेंसिटिव हैं और ये डिसबैंडेड फोर्सेज है किनिया के अंदर, लेकिन ये जो फोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, बड़ी संख्या में लोगों को हत्या कर देती है और एक रिवर है वहाँ पर उसके अंदर उनको फेंक देती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किनिया को काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये याला रिवर के अंदर बड़ी संख्या में आपको डेड बॉडी जो फ्लोट करती हुई नज़र आएगी। ह्यूमन राइट ग्रुप ये बोलते हैं कि पहली बात, इस स्पेशल सर्विस यूनिट को केवल डिसबैंडिंग करना सफिशिएंट नहीं है, इसको लेकर एक तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन है कि बड़ी संख्या में इसकी वजह से लोग डिसअपीयर हो रहे हैं और बहुत सारे एलिगेशन इसके ऊपर है, तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इसको लेकर लिया जाना चाहिए केनियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेट्स सी क्या इस पर लिया जाता है क्या नहीं। लेकिन ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे केनिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। केनिया की कैपिटल नैरोबी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा अगर आप इमीडिएट नेबरिंग की कंट्री के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ तंजानिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया और सोमालिया, इसकी इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज में से एक है जो आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कॉर्बेट टाइगर सफारी को लेकर जो काम होना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। उत्तराखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि एक टाइगर सफारी हम लोग बनाएंगे और इसमें 163 ट्री को काटने की परमिशन मिली थी, लेकिन इसके बाद न्यूज़ आई कि 6000 पेड़ों को काटा जाएगा और किसी भी बायोडायवर्सिटी के लिए वो चीज़ें सही नहीं है। इसके अलावा जब भी आप देखेंगे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, जो कि फॉरेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, इनके अलावा हिमालयन स्टेट को लेकर, क्योंकि हिमालयन स्टेट में एक वल्नरेबिलिटी बनी रहती है एनवायरनमेंट को लेकर, जब भी उसके साथ कोई छेड़खानी की जाती है तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको बैन कर दिया या इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो वो इम्पोज कर दिए। अब आप लोगों के लिए सवाल है, जब हम टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देश के अंदर नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट या 2020-21 में या 21-22 में, लास्ट एक दो सालों में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व या बने हैं या फिर उनके बारे में अनाउंसमेंट हुई है कि ये आने वाले टाइम में टाइगर रिजर्व होने वाले हैं, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट करिए। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, क्योंकि दोनों के चाइना के साथ बहुत अच्छे टर्म में रिलेशन नहीं है और इन्होंने दोनों कंट्री अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने को लेकर, ताकि चाइनीज मिलिट्री राइज को काउंटर किया जा सके, इसके बारे में डिसीजन लिया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज है और जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो फ्यूमियो किशिदा आपको नजर आएंगे। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया। यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर की रेस में फिर से अब डिबेट शुरू होने वाली है और ऋषि सुनाक और सेकंड जो है बोरिस जॉनसन फिर से वहां पर आपको डिबेट करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये बड़े सवाल है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई कंट्री अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर स्ट्रगल कर रही है बड़ी कंट्री में, जो मेजर इकोनॉमीज है वो है यूनाइटेड किंगडम। हालांकि ऐसी बहुत सारी कंट्री हो सकती हैं, लेकिन दुनिया की मेजर इकोनॉमी में एक जो बड़ी कंट्री बार बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर स्ट्रगल कर रही है, पिछले छः सात सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार जब से ब्रेग्जिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है। और इवन इस पॉलिटिकल पार्टी में जो अगर आप देखते हैं पिछले कई दिनों में कई सारे प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर हम देखते हैं बोरिस जॉनसन हुए, उसके बाद लिज ट्रुस जिन्होंने 45 डेज के अंदर ही रेजिग्नेशन दे दिया, इससे ठीक पहले उन्होंने कहा था कि मैं फाइटर हूँ क्विटर नहीं, और अगले दिन उन्होंने क्विट कर दिया। लेट्स सी, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इंटरेस्टिंग होती है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में चाइना ने की पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं अमेंड कर दिया है और सी जिनपिंग के जो कोर स्टेटस है कि सबसे मेन बंदा यही होने वाला है, इसी को सारी पावर दी गई है, इन्होंने सबको बोल दिया है आपको यही करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ह्यू जिनताओ जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है चाइना के, ये नाराज़ हैं और उन नाराज में भी यही हैं एग्जैक्टली।
और ये नाराज़ उन फूफा जी की तरह होते हैं जिनको शादियों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन चाइना के अंदर ये सब लोग जो है ये मजबूरी में तालियां बजा रहे हैं कि नहीं, लेकिन चाइना में अब कंप्लीट होल्ड होगा शी जिनपिंग का, चाहे मिलिट्री हो चाहे फिर पॉलिटिकली होल्ड की अगर हम बात करते हैं। अगेन रिपीट किया गया कि फिर से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 2017 में बदल दिया था, पहले प्रोविज़न ये था कि दो टर्म तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, दो टर्म में बात नहीं बनेगी, हम एक दो टर्म यानी 5 साल 10 साल और बने रहना चाहते हैं। इनके अलावा शी जिनपिंग की तारीफ की गई कि पूरी दुनिया में इन्होंने डंका बजा दिया है और ये सब चीज़ें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कुछ इसके अलावा। इनके अलावा इन्होंने कहा कि कॉमन प्रोस्पेरिटी पर काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा टेम करेंगे, जो रेगुलेटरी रिलेटेड इश्यूज है उनको क्रैक डाउन करेंगे और टेक इंडस्ट्री को टारगेट करने वाले हैं। इसके अलावा ताइवान को लेकर बोला गया कि ताइवान को इंडिपेंडेंस को लेकर कोई ज़्यादा बोलेगा तो उसको हम लोग डेफिनेटली डेटर करेंगे, खासकर सेपरेटिस्ट को लेकर, और ताइवान को रीयूनिफिकेशन करेंगे, यानी आने वाले टाइम में ताइवान चाइना का ही हिस्सेदारी होने वाली है। ताइवान एक ऐसा टॉपिक है जिससे चाइना सबसे ज़्यादा नाराज़ भी होता है, क्योंकि ताइवान अपने आप को बोलता है इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री, हालांकि चाइना ये बोलता है कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं हो, तुम हमारे हिस्सेदारी हो और तुम्हें वापस हमारे घर पर आना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा फिर एक पॉलिसी के बारे में डिस्कस होता है, वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी में क्या है कि चाइना ये कंसिडर करता है कि ये पूरा का पूरा एरिया हमारा, हांगकांग, ताइवान, चाइना, ये सारे सारे वन कंट्री है और वन चाइना पॉलिसी। और कोई कंट्री ये कहे कि भाई हमें ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं तो उनके चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो वो समाप्त हो जाते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल है यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है लिथुआनिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेज नंबर 13 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई है कि पहली बात, ग्रेजिंग एनिमल इम्पॉर्टेंट है ताकि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए। ये न्यूज़ पहले भी आई थी कि सोयल कार्बन की स्टेबिलिटी को लेकर, ग्रेजिंग इकोसिस्टम को मेंटेन करने को लेकर या सोयल कार्बन की स्टेबिलिटी को लेकर इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। इनके अलावा ये जो रिसर्च यहाँ पर हुआ, ये बताया गया कि कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल जैसे याक है या आइबेक्स है, इस कॉन्टेक्स्ट में इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल है और न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इसके बारे में ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि बड़ी संख्या में रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस, इन सब को सपोर्ट करता है। अगर हम देखते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली एक तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है सोयल कार्बन के मामले में, और आने वाले टाइम में जब हम डोमेस्टिक लाइव स्टॉक को रिप्लेस कर रही वाइल्ड लाइफ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूरी होता है कि इसको लेकर हमें ग्रेजिंग इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्टोर करें कार्बन के मामले में, तो उस मामले में एटमोस्फेयर को डीकार्बनाइज करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके अलावा ये कितना इम्पैक्टफुल है कितना नहीं, उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन है। इसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे एक टॉपिक डिस्कस किया गया, एक स्टडी करेगी लॉकडाउन के अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन जो इंक्रीज हुआ है। देखो जब भी स्टडी होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक होती है स्टडी आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने करी, मान लेते हैं एनवायरनमेंट को लेकर है, पोल्यूशन को लेकर है, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हो या फिर किसी इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी हो, इन स्टडीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि साइंटिफिक बहुत ज़्यादा होती है। एक स्टडी कर दी कि मैं चला गया, मैंने स्टडी कर दी कि भाई देश के अंदर तो इंडोर एयर पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है, इन स्टडी को आप ऑब्जर्व करिए लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि आप जो डेटा इसमें इंडिकेशन करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर डेफिनेटली क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया कि लॉकडाउन में इसके एक्सपोजर में इंक्रीज हुआ है, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेगी, जैसे PM 2.5 का मतलब होता है कि जो धूल की छोटी छोटी कण होते हैं, जैसे 2.5 माइक्रोन सबसे खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ कंसर्न जो है वो रेज हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि बायोमास फ्यूल्ड जो कुक स्टोव आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें काउडंग, फायरवुड, कोल, इन सब का इस्तेमाल जो है वो इंक्रीज हुआ है। जनरली जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, इंडोर एयर पोल्यूशन का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं, जैसे घर में रह रहे हैं और वहाँ से सीधा एक्सपोज कर रहे हैं पोल्यूशन को, खासकर रूरल वुमेन इसमें ज़्यादा इम्पेक्टेड होती है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान वर्किंग एज वुमेन, स्कूल में जो बच्चे जाते थे, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोजर से इससे इम्पेक्ट हुए हैं। इसके अलावा ये कितना है कितना नहीं, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये बताया गया कि
दुनिया में, न केवल इंडिया में बल्कि रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, जिनमें मेजर कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहाँ पर इसकी प्रेजेंस जो वो ज़्यादा देखने को मिली। और इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि देश के अंदर अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना के थ्रू जो LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन दिक्कत आई कि उसमें रिफिलिंग नहीं हो पा रही, लोग उसको रिफिल नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपये के आसपास एक सिलेंडर पड़ता है, अलग अलग स्टेट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट 1100 के आसपास अगर आप देखेंगे ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से लोग जो है वो ट्रेडिशनल फिर बायोमास की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज आती है जैसे एशियन एलिफेंट रिस्क पर है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रोम कर रहे हैं। और देखो एलिफेंट्स के सामने भी दिक्कत है क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत छोटा हो गया एरिया, और जब वो जैसे मूवमेंट करते हैं तो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट होता है और एलिफेंट इसको लेकर सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट ने एक तरीके से एक ब्राइटेस्ट स्पॉट को ब्राइटेस्ट स्पॉट जो है वो एक्सप्लोजन के मामले में डीप स्पेस में उसको ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पॉट किया है और इसमें मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन जो आपको देखने को मिल सकता है। गामा रे ब्रश जिसको GBR 221009 ए बोला गया है और इसको एक तरीके से बोट जनरली बोला गया है, यानी ब्राइटेस्ट ऑफ द ऑल। हालांकि ये इतना ज़्यादा ब्राइट है कि भाई जो गामा रे टेलीस्कोप के डिटेक्टर है वो ओवरवेलम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी नहीं होता ये चीज़ें। इसके अलावा ये बताया गया कि बूस्टर शॉट यानी बूस्टर डोज जो होती है वैक्सीन की ये प्रोटेक्ट कर सकती है आपको फ्यूचर कोविड वेरिएंट्स के मामले में, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा एंड में क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया गया कि कॉर्निक डिजीज हो सकते हैं, अगर आप 1-5 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो भाई आप कॉर्निक डिजीज के लिए आप वल्नरेबल जो है वो हो सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया कि थोड़ा सो भी लिया करो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ते रहना है, कम से कम 5 घंटे से ज़्यादा हमें नींद लेनी चाहिए, इस तरह की साइंटिफिक स्टडी जो है वो ऑब्जर्व करती है। इसके बाद पेज नंबर 14 जो है इसमें जो तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ने हैं, और मैं आज जो है आपको द हिंदू की पूरी PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम पर, जिसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करूँगा, और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सर्च करिए एक तरीके से, और उसके बाद इस पूरी PDF को डाउनलोड करिए और इसको सेल्फ स्टडी करिए। टॉपिक बता देता हूँ, बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में है कि 5G इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान नया नया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकला है ग्रे लिस्ट से, ग्रे लिस्ट का मतलब होता है मॉनिटरिंग कर रही है वो, एग्जैक्टली कोई ग्रे लिस्ट वर्ड यूज़ नहीं होता, राइट। तो इस क्यों पाकिस्तान को बाहर निकाला गया ये सवाल आपके मन में भी होगा, और तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए ये पढ़िएगा। इसके अलावा RBI किस तरीके क्यों मॉनिटर करता है किसी बैंक को और क्या स्टेप है इसको लेकर क्वेश्चन आंसर है, तो ये तीन टॉपिक आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ने हैं। और उसके बाद प्रोफाइल में एक टॉपिक आपको थोड़ा ध्यान देना है, वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इनके बारे में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो प्रेशर फील कर रहा है और उसके सामने कई सारे फ्रेश चैलेंजेज हमारे सामने एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से कई सारे फ्रेश चैलेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये बताया गया कि आज के टाइम पे सेलिब्रेशन और कम्प्लीशेंसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और हमें 2022-23 में अगर हम बात करते हैं बहुत सारे चैलेंज है जिसमें इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट करना ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, इस तरह की जानकारी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है। अगर हम बात करते हैं पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर सरकार ने बताया कि रुपी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लगातार डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना, यूनाइटेड स्टेट के फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये फिर से अगर हम देखते हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारी करेंसी और ज़्यादा डिप्रिशिएट हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट कॉस्टलियर होगा और ज़्यादा महंगा हो सकता है। इनके अलावा लगातार डॉलर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होना हो, हायर इंटरेस्ट रेट होना हो, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है एक बड़े प्रॉब्लम है जो भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चैलेंज करते हैं, और इनके अलावा भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो सफिशिएंट नहीं है, रैपिडली फॉल कर रहा है, और रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 7
0.2% के आसपास आपको देखने को मिलेगी अप्रैल टू सितंबर के बीच में। आने वाले टाइम में इसमें स्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है, इस तरह की जानकारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दी गई। और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि हमने, अगर आप देखेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है, अगर आप डेप्रिसिएशन के मामले में बात करते हैं 6 मेजर करेंसी में, उसमें हमारी वैल्यू काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 6 मेजर करेंसीज। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डॉलर इंडेक्स कई बार यूज़ होता है जो कि कंपेयर करता है कि इन करेंसी कंपेयर में डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो आप लोगों के लिए सवाल है, ये जो डॉलर इंडेक्स है इसके अंदर कौन कौन सी करेंसीज को इंक्लूड किया जाता है, ये आपके लिए एंड में क्वेश्चन है। रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर है इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसका लिंक, क्योंकि वो चैनल मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।